अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट पार्ट टू के ऑब्जेक्टिव पोर्शन इंग्लिश की। तो इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, उसमें सबसे पहले पोर्शन है एमसीक्यूज़ में। पहला क्वेश्चन है फ्यू फेरी ब्लफर्स ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज। तो यहाँ पे ब्लफर्स का आपने सिनोनिम देखना है, तो उसमें चार ऑप्शन हैं, उनमें से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है एफिशेंट। उसके बाद दूसरा जो है उसमें आपने स्ट्रेनियस का जो है वो सिनोनिम देखना है, तो उसमें टफ है, इजी है, ब्यूटीफुल है या फिर एडवांटेजियस है, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन एडवांटेजियस है। उसके बाद तीसरा है द मैनेजर वाज ग्रेव कॉलमैन। ग्रेव का यहाँ पे बताना है कि वो कैसा आदमी था, बोल्ड था, ठीक है, इडियट था, रैश था या सीरियस था, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है सीरियस। उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन हैं उसके बारे में, अंडरलाइन वर्ड के बारे में हमने बताना है यहाँ पर। तो होल हॉरिजोन जो है इसका कौन सा है, तो हॉरिजोन का जो है मुतरजी वो है डिप्रेशन। उसके बाद हमने ट्रेगरी का बताना है, तो ट्रेगरी में प्रोविशियस स्ट्रेचर है या स्टोर है। उसके बाद है एविकेटेड का बारे में हमने बताना, तो वो है उसका ऑब्जर्व्ड। और उसके बाद सातवां है, सातवें में मिसिस विकेट्स हाउस वाज अगली एंड प्रीटेनिशियस। प्रीटेनिशियस का मतलब क्या है, प्रीटेनिशियस का जो मीनिंग है वो है सिंपल। उसके बाद अगर हम दूसरे को देखें तो उसमें है चिप्स नियरली आंसर्ड दैट ही कुड गो टू द ब्लेज। ये ब्लेजिस का जो है वो बताना अपना, दैट इज़ द रिफ्यूज। चिप्स फेल्ट वेरी फिट, द एक्चुअल वर्क वाज Not taxing। ये taxing का meaning जो है that is the amusing। It was cold and foggy and he dared not go out। Foggy mean pleasant। उसके बाद है choose the correct option of the appropriate proposition। तो I am senior dash him in service on him। उसके बाद है he will tell you dash the result about the result। It is 10 o'clock dash my watch, at my watch आएगा यहाँ पे। He was dash anger at that time, of anger at that time। What are you looking about आएगा इसके बारे में। Four options हैं, A, B and C are given at the end of every sentence, only one of them is correct, choose the correct option। इन चारों में से जो सही है उसके बारे में बताएंगे आप। Do not make a noise आएगा यहाँ पे। उसके बाद she is more wiser from him। when you saw him last, आपने उसको आखिरी बार कब देखा था, when did you see him last, either he or I am wrong। she is very taller than I, तो she is very taller than me। इस तरह 20 MCQs सेकेंड ईयर का ये पोर्शन हम एमसीक्यूज़ कंप्लीट हुआ, जैसे ही सब्जेक्टिव आएगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वस्सलाम।